हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट द विशाल। ये वीडियो सभी फास्ट बॉलर्स के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा फास्ट बॉलर्स बॉल को ग्रिप कैसे करें। गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बॉल को ग्रिप करना ही होता है, क्योंकि उसके बाद ही आप बॉल डालते हो। और अगर आप ग्रिप अच्छी तरह नहीं करोगे तो आपको बॉल भी आपकी सीम से लैंड नहीं होगी और ना इन स्विंग होगी ना आउट स्विंग होगी। तो बॉल को ग्रिप करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बिगिनर्स गलती करते हैं बॉल को पकड़ने में, कोई ऐसे पकड़ लेता है कोई ऐसे पकड़ लेता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा बॉल को पकड़ना कैसे, क्या सही तरीका होगा, कितना बॉल टाइट होगा, कितना लूज होगा। ये भी बहुत ज़रूरी है सभी बिगिनर्स के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सभी फास्ट बॉलर्स के लिए, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको बताऊंगा आपकी फिंगर्स की पोजीशन क्या होगी बॉल के ऊपर। फिंगर्स आपको कहाँ रखना है, जैसे आपका ये सीम वाला पार्ट है, आपको बॉल पे फिंगर कहाँ रखना है। तो फिंगर आपकी कहाँ रहेगी गाइस, कुछ बॉलर्स फिंगर बाहर रखते हैं जैसे आप देख सकते हो ऐसे, कुछ फिंगर्स अपनी फिंगर क्लोज रखते हैं। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, अगर आपको कंफर्टेबल थोड़ा सीम के ऊपर है जैसे मैंने रखा हुआ है, मैं भी ऐसे ही रखता हूँ, आप ऐसे रख सकते हो, सीम पे ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। आप क्लोज भी रख सकते हो, वो आपको जैसे कंफर्टेबल है आप ऐसे कर सकते हो। आपकी थंब की पोजीशन कहाँ रहेगी, आपका ये थंब होता है तो आप इसको थोड़ा बीच में रख सकते हैं जब आपका ये रहेगा। ये देखो ऐसे रखना है आपको बीच में, आप इधर साइड में नहीं रख सकते, इधर नहीं रख सकते, कंट्रोल ज़्यादा रहेगा जैसे आप ये रखो। अब आपको बताऊँ गैप कितना रहेगा आपकी। कुछ बॉलर्स क्या करते हैं, बिगिनर्स मैंने खुद देखा है, वो ऐसे बॉल पकड़ के भागते हैं, ऐसे बॉल पकड़ते हैं। कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप ऐसे बॉल पकड़ो तो गाइस आपके हाथ से बॉल नहीं छूटेगी, आपका पेस ही नहीं जाएगा। टाइम कितना मिलेगा छूटने के लिए, तो हमेशा आप कोशिश करो आगे रखो। देखो मेरी फिंगर इसमें बीच में जा रही है, इतना तो आपको गैप रखना है, ये ध्यान रखना है आपकी फिंगर जा रही है, इतना गैप होना चाहिए। ये देखो, और ये आपकी उंगली उठी भी नहीं होनी चाहिए। कुछ बॉलर्स उंगली उठा के भाग लेते हैं, ये टाइट होनी चाहिए। देखो ये उंगली मेरी सीम से लग रही है, लास्ट वाली जो मेरा नेल्स के ऊपर है वो लग रहा है। ये ध्यान रखना है बॉल को पकड़ते हुए। अब आपको बता दूं आपको टाइट कितना रखना है बॉल, क्योंकि गलती सबसे ज्यादा होती है कि वो पूरा टाइट ऐसे करके भागते हैं। आपको कभी भी पूरा टाइट नहीं रखना है बॉल को। आपको ट्राई क्या करना है, आपको इतना रखना है, ना ज़्यादा लूज होना चाहिए, जैसे मैं अभी ऐसे मारो इतना लूज भी होना चाहिए और ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए। आपको इतना होना चाहिए कि हल्का सा टाइम लगे खींचने में बॉल को, जैसे मैं अभी खींच रहा हूँ थोड़ा टाइम लगे, फिंगर्स आप देख रहे हो, और ना जाए इतना कि ये खिंचन रहा है। देखो ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगे, ये देख सकते हो, इतना लूज भी होना चाहिए ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, मतलब बीच में होना चाहिए, जो आप जब रिलीज करो तो छूट जाए। इसका मतलब क्या है, लूज क्यों, ज़्यादा लूज क्यों नहीं होना चाहिए गाइस। अगर आप ज़्यादा लूज रखोगे तो बॉल आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, और ज़्यादा टाइट रखोगे तो आप अपना रिस्ट भी लगा दोगे, बॉल बैट्समैन तक नहीं पहुंचेगा। तो आपको बीच में मीडियम पकड़ना है, ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट। अब आपको एक और बात बता दूँ, कोशिश आपको क्या करना है, हमेशा जब आप बॉल को रिलीज करो तो कोशिश करो कि आपकी फिंगर्स का एंड आपको टच होके जाए। जब भी आप रिलीज करो आपका बॉल सीम से उतना ही लैंड करेगा। और आउटस्विंग इनस्विंग के लिए मैंने एक वीडियो अलग बनाया हुआ है, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा बताया कि कैसे आप आउटस्विंग इनस्विंग कर सकते हो। तो बॉल पकड़ने के लिए यही सब बातें, यही ध्यान रखना है, ना ज़्यादा लूज पकड़नी है और ना ज़्यादा टाइट पकड़नी है। यही ग्रिप होनी चाहिए, सबसे अच्छी ग्रिप है बॉल पकड़ने के लिए, आप देख सकते हो, और इतना गैप होना चाहिए। और गाइस, आप बॉल को कवर करके मत भागो, ज़्यादा रोल आपकी दो फिंगर्स और थंब का है, इनका रोल सबसे ज़्यादा है, इनका ही ज़्यादा अपना यूज़ है। अगर आप ऐसे करके भागोगे, बहुत लड़के ऐसे स्टार्टिंग में भागते हैं, आपको ऐसे नहीं भागना है, सिर्फ इनका यूज़ है। आप ट्राई करो ऐसे, ये आपकी नीचे रहेंगी जैसे मेरी, आप देख सकते हो, इनको आपको ऊपर नहीं लाना है ऐसे, ये आपकी नीचे रहेंगी। और गाइस, आपको पाम का बता दूं, पाम आपका रिस्ट आपकी लोक होनी चाहिए, ये कुछ ऐसे डाल के भागते हैं, आपको ऐसे नहीं, आपको लोक रखनी है और पाम आपका सामने रहेगा। अगर आप इनस्विंग करोगे, वो मैंने उसमें भी बताया पर अभी बता दूं, अगर आप इनस्विंग करोगे तो ये बैट्समैन के सामने ये रहेगा, अगर आउटस्विंग करोगे तो ये पाम खुला हुआ रहेगा। यही ध्यान रखना है, यही ज़रूरी है अगर आपको ये अच्छी स्विंग करनी है और आपकी बॉल पकड़ने के लिए, ये सब बातें ज़रूरी है। अगर आप बॉल अच्छी तरह पकड़ोगे जब भी जाके आपको अच्छे विकेट्स और आपकी बॉल लैंड और लाइन पर ज़रूर पड़ेगी। तो गाइज, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी आपकी क्वेरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज।